बेटा आज हम समझेंगे कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमें बताता है कि अगर हम इस स्केल को बैलेंस करना चाहें बैलेंस मतलब हॉरिजॉन्टल रखना चाहें तो हमें इसे एक खास पॉइंट पर ही सस्पेंड करना पड़ेगा इसी पॉइंट पर यह बैलेंस हो पाएगी देखो पूरी स्केल हॉरिजॉन्टल है लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से इसका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो हटा दूँ तो ये स्केल हॉरिजॉन्टल नहीं रह जाएगी एंड इट विल टिल्ड वन साइड और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि इतने हिस्से का जो वेट है वो ज्यादा हो गया वो स्केल को नीचे झुका रहा है और इतने हिस्से का वेट कम हो गया बट केयरफुली अंडरस्टैंड इतने हिस्से का वेट जो ज्यादा हो गया है वो इसे इस पॉइंट की अबाउट रोटेट कर रहा है इस तरीके से ऐसे मतलब क्लॉकवाइज और अगर मैं इसको बैलेंसिंग पॉइंट के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये स्केल इस, इस साइड में टिल्ट हो गई अब इतने हिस्से का वेट इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है तो जो वेट इन दो पार्ट्स के हैं वो स्केल को इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करते हैं दैट इज वी आर वी आर ऑब्जर्विंग हेयर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो इस पार्ट का वेट है वो इसे क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाता है और जो इस पार्ट का वेट है वो इसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाता है लेकिन जब हम इसे बैलेंस करते हैं उस खास पॉइंट पर तो देखते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर यह स्केल परफेक्टली हॉरिजॉटल हो जाती है दिस इज फिफ्टीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पॉइंट कैन यू ऑब्जर्व इट 15.5 सेंटीमीटर पॉइंट पर ये स्केल एकदम बैलेंस है और ऐसा क्यों हो रहा है द होल स्केल इज पॉइंट केयरफुली अंडरस्टैंड चिल्ड्रन ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्केल कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज दैट पॉइंट वेयर वेट ऑफ दिस होल ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग और अगर इसी पॉइंट पर तुम थ्रेड के थ्रू टेंशन फोर्स ऊपर लगा लो तो वो नीचे के वेट को एक्टली exactly बैलेंस कर लेता है और इसी तरह से जो इस पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके सेंटर पर होगा और इस पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पर होगा आई थिंक सबको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का समझ में आया है और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इसके बैलेंस होने का मतलब है कि अब इस पार्ट का वेट जो क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा रहा है वो इस पार्ट के वेट के एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को काउंटर कर रहा है बैलेंस कर रहा है ठीक अब हमें न्यूमेरिकल कैसा मिलता है हमें न्यूमेरिकल मिलता है कि हमने एक स्केल को इस पॉइंट पर मान लो विच इज फिफ्टीन पॉइंट फाइव इस पर बैलेंस किया ठीक है अब हम फिफ्टीन पॉइंट फाइव से फोर्टीन पॉइंट फाइव पर शिफ्ट कर देते हैं तो ऑब्वियसली इस स्केल का बैलेंस बिगड़ गया क्यों बिगड़ गया क्योंकि इस स्केल का जो अपना वेट है वो फिफ्टीन पॉइंट फाइव पर एक्ट कर रहा है और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हम इस तरीके से देख सकते हैं देखो जो थ्रेड का पुल है उसे हम टेंशन ऑफ स्ट्रिंग कहते हैं उसको मैंने इस एरो से रिप्रेजेंट किया है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वो हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है इसका हेड ये बताता है कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है तो थ्रेड इस स्केल को ऊपर की ओर फोर्स लगा के होल्ड करे हुए है जबकि ग्रेविटी इसको नीचे की ओर फोर्स लगा रही है तो हमने ग्रेविटी या वेट ऑफ द स्केल को इस एरो से रिप्रेजेंट किया जो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है ठीक है तो ये बैलेंसिंग सिचुएशन है देखो इस हिस्से का जो वेट है वो इसके सेंटर पर एक्ट कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है इस हिस्से का वेट इसके सेंटर पर एक्ट कर रहा है और क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है दोनों टॉर्क बैलेंस है तो स्केल ना तो ग्रेविटी की वजह से गिर रही है ना टेंशन की वजह से ऊपर जा रही है बैलेंस है रेस्ट पर है और ना तो इस पार्ट के टॉर्क की वजह से क्लॉकवाइज घूम रही है ना इस पार्ट के टॉर्क की वजह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है जब स्केल रेस्ट पर है और रोटेट भी नहीं कर रही है किसी पॉइंट के अबाउट

पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ सस्पेंशन को रोटेशन लेकर इस तरह से अपने पेन को यूज करें पकड़ लें और जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी पुल कर रही है उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं ऐसे तो आप समझ पा रहे हो ये कैसा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है इट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट ऐसे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है ये वेट और इस वजह से ये स्केल आपको ऐसे टिल्टेड दिखेगी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की टेंडेंसी रखती है अब अगर हमें फिर से इस स्केल को बैलेंस करना है तो हमको क्लॉकवाइज मूवमेंट को काउंटर करने वाला एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करना होगा और वो हम एक वेट सस्पेंड करके इस पॉइंट के इस तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं ये जो वेट है उसको हम डब्ल्यू डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो पता नहीं है हम प्रैक्टिकल करके उसको अभी पता करेंगे जब डब्लू डैश इन टू एक्स टू विल्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स वन इस वेट का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इस वेट के क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर लेगा और ये स्केल वापस से इस नए पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो अब हम एक वेट लेते हैं टेन ग्राम का और देखते हैं कि स्केल किस पॉइंट पर फिर से इक्विलिब्रियम में आती है नाउ कैन यू सी दैट स्केल इज परफेक्टली अ वी ग्राम वेट एट ट्वेल्व सेंटीमीटर पोजिशन आई प्लेसड दिसंट फाइव सेंटीमीटर दिस स्केल इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल now you can observe that the weight of the scale is acting at 15.5 i suspended this scale at 14.5 and the weight 20 gram weight is suspended this side of this point of suspension at 12.5 now weight of scale is acting at this point and trying to rotate it clockwise this weight is trying to rotate it anti-clockwise but a scale is neither tending to rotate clockwise nor anti clockwise because torque of weight of 20 gram which we have suspended at 12.5 is exactly same as torque of weight of this whole scale with this experiment and with this equality we can find without measuring the weight of the scale